सेल पे ट्राई किया, बंद है। उसे कम से कम फोन तो करना चाहिए था। संजना जी, शेखर अगर वक्त पर पुख्ते सबूत लेकर नहीं आया तो ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज बिगिन द प्रोसीडिंग मिस्टर प्रसाद। एनी मोर विटनेसेस? नो योर ऑनर। मिस्टर कोठारी? योर ऑनर, मैं मिस लवलीन से फिर कुछ सवाल करना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर कोठारी, ऑलरेडी मेरे क्लाइंट से सारे सवाल पूछ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इन्हें अदालत का और वक्त जाया करने की इजाजत दी जाए। मिस्टर कोठारी, आपके पास इस केस पर रोशनी डालने के लिए कुछ नए सवाल हैं? यस योर ऑनर। मिस लवलीन कपूर को विटनेस बॉक्स में पेश किया जाए। मिस लवलीन, 25 मार्च की रात आप कहां थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस लवलीन इस बात का जवाब पहले भी दे चुकी हैं। इनका जवाब था कि 25 मार्च की रात वो मिस्टर मल्होत्रा के घर पर कोई बिजनेस की डील फिक्स करने गई थी। योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट करना चाहूंगा। 27 मार्च का न्यूज़पेपर जिसमें मिस्टर मल्होत्रा दिल्ली के पार्टी में नजर आ रहे हैं। 25 मार्च की रात हुई एक पार्टी में, जब मिस्टर मल्होत्रा मुंबई में थे ही नहीं, तो मिस लवलीन उनके घर पर कैसे जा सकती है? योर ऑनर, मिस्टर कोठारी आज से 10 महीने पहले की बात कर रहे हैं और यह तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे एग्जैक्ट डेट याद हो। जरूरी है मिस लवलीन, क्योंकि ये किसी बेकसूर की जिंदगी का सवाल है, वो बेकसूर जो आपकी गलती की सजा भुगतने जा रही है। 25 मार्च की रात आप अपने घर पर ही थी, आपका डिवोर्स हो चुका था, संजय आपके घर आया था और आपने हत्या में प्रयोग की हुई स्टैच्यू से संजय के सर पर वार करके उनका मर्डर किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर कोठारी फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, इस पूरे वाक्यात में नई बात है, 25 मार्च की रात मिस लवलीन का मिस्टर मल्होत्रा के घर होने का झूठ पकड़े जाना। मिस्टर कोठारी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, 7 जनवरी की रात आप कहां थे? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। योर ऑनर, अगर मिस्टर कोठारी कोर्ट को यह नहीं बता सकते कि 7 दिन पहले वो कहां थे, क्या कर रहे थे, तो मिस लवलीन 10 महीने पहले हुई मामूली सी बात को ठीक से कैसे बता सकती हैं? मिस्टर कोठारी, आप एक छोटी सी बात को उन ढेरों सबूतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जो मिस संजना के खिलाफ पाई गई हैं। आई थिंक यू नो यू आर लूजिंग इट मिस्टर कोठारी, यू आर गेटिंग डेस्परेट। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर कोठारी, मिस लवलीन कपूर की बात बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत आती है, आप अपने सवाल वही तक सीमित रखिए जिनका ताल्लुक इस केस से हो। इस केस का फैसला अदालत रिसेस के बाद सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द ब्रेक। फोन ही नहीं लग रहा है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। टेंशन में हो? वेरी सैड। बहुत औरतों की जिंदगी तुमने नर्क बनाई थी। नर्क क्या होता है इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। आई रियली पिटी यू। आई पिटी यू संजय। यू नो वॉट, यू राइट, मैं बहुत ही गिरा हुआ आदमी था, लेकिन एक औरत के रूप में तुमसे कहीं बेहतर हूँ। मैं कुछ ही महीनों में औरत बनने का मतलब समझ गया जो तुम आज तक नहीं समझ पाई। Happy to you. Mr. Kothari, any more witnesses? Any cross examination? That's all, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस संजना पटेल ने मिस्टर संजय पटेल का कत्ल किया है, लिहाजा मिस संजना पटेल को इस कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए अदालत दफा 302 के तहत। योर ऑनर, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, मेरे पास अभी अभी एक ऐसा सबूत आया जो मिस संजना को बेकसूर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर कोठारी,
फैसले को और डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं। That's it. Objection overruled. ये एक जिंदगी का सवाल है, इन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुझे मिस्टर मोमबत्ती वाला को कोर्ट में एज विटनेस पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। One minute. I promise to speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. जज साहब, हमारा एंटीक पीसीज बेचने का दुकान है। अभी हमने फाइल देखा तो ये पर्टिकुलर स्टैच्यू एग्जैक्टली 1.5 ईयर पहले यानी कि 23 मार्च को ये मिस लवलिन ने हमारा शॉप में से खरीदा था। जज साहब, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम और हर एक एक्सपेंसिव आइटम का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारा फाइल में रहता है। पता नहीं कब लफड़ा हो जाए पुलिस का। इसके लिए देखो, अभी ये लफड़ा हो गया ना। कैसा काम आ गया जज साहब। और अब इस केस के दो सबसे महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा, मिस सीमा एंड मिस रीटा। ऑर्डर, ऑर्डर। हमारी कोई गलती नहीं थी। संजय ने हमको धोखा दिया और लवली ने उसकी सर पे मारा और हम तो बेकसूर थे, लेकिन हम क्या करते। लेकिन उसने मुझे ऑफर किया था पैसे देगी हमें सिंगापुर जाने के लिए, अब हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसने कुछ किया संजय के सर पे जोर से मारा, हमने कुछ नहीं किया। इन नए गवाहों के बयानात से इस केस के बदलते हालात को देखकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस संजना पटेल पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, लिहाजा अदालत मिस संजना पटेल को बाइज्जत रिहा करती है। That's great. और ये हुक्म देती है कि मिस लवलीन कपूर को कानूनी हिरासत में लिया जाए। Your Honor, there's a misunderstanding. One second. मैंने संजय का खून जरूर किया था, लेकिन संजय तो मरा ही नहीं ना। Order, order. मतलब संजय मर गया था, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। Order, order. He's alive. Your Honor, ये संजय नहीं है, ये संजय था। Order, order. मतलब ये जो संजय ना है ना, ये संजय है। संजय जिंदा है, Your Honor, संजय जिंदा है। Trust me, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं पागल नहीं हूँ Your Honor. Order. Thank you so much. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Jay. Sanjay. Sanjay. संजय से रहा नहीं गया, सोचा पूछ ही लूं। हाउ यू फीलिंग टुडे संजय पटेल? शुक्र करो कि सिर्फ बेहोश हुए थे, वरना इतनी जोर से मारती कि मर ही जाते। एक आदमी को दो बार कैसे मार सकते? व्हाट यू सेइंग? आई थिंक संजय यू हैव लॉस्ट इट। राउंड द ट्विस्ट। वो एक सपना था, मैं जिंदा हूँ। It was a dream. Taking me for granted. How dare you? Hello? Lovely. I'm really sorry. Sanjay Patel says sorry. Oh.
बैग्स मुझे दीजिए। ओ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय दिकरा। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग वर्मा जी, बैठिए बैठिए। ये जो आप पेन गिराकर यहाँ वहाँ गुपचुप नजर घुमाते हो, अच्छी बात नहीं है। आपकी आंखें बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। अगर भाभी जी को सब पता चल गया ना तो फोड़ डालेगी आंखों को। तो कंट्रोल योरसेल्फ आईज। हाय बडी। नो 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 नो। हाय साले, कल रात 1 घंटे में आने वाला था तू, 1.5 घंटे में 6 और कॉफी गई अंदर। यार कभी तो टाइम पर। आज के बाद मैं कॉफी पीकर तेरा इंतजार करूंगा। ओके। बजी नहीं तेरी ट्रेडमार्क सिटी, स्ट्रेंज यार। अच्छा सुन शेखर, आई जस्ट वांट टेल यू थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू बीन अ ग्रेट बडी, आई लव यू मैन। मैं भी आया। For you? Aarti? Hi, this is Sanjay. Sanjay Patel from Bhuvan's College. Remember me? Hi. आरती, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और जो कुछ भी हुआ मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता हूँ। आरती, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, प्लीज़ फॉरगिव मी। या थैंक्स थैंक्स। या टेक केयर। ओके बाय। भावना भावना हाय, संजय पटेल। भावना, मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। Sanjay Patel from Bhuvan's College, remember me? Yeah, hi. Anjali, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। हाँ माफ़ी।